आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसकी क्वेरी लगातार आ रही है। 230 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और अब स्प्लिट होने के बाद और लास्ट 6 मंथ में इस स्टॉक ने 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। क्या नाम है स्टॉक का, कमेंट में जल्दी से बताइए। और सबसे मजे की बात है कि शेयर की क्वेरी आप लोगों ने तब की है जब इसमें तेजी हुई है लास्ट कुछ दिनों में। वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा क्योंकि बहुत यूनिक तरीके से सिखाएंगे जिससे आप खुद का बॉस बन पाएंगे। वीडियो बनाने से पहले बता देता हूं कि कोई बाइंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपकी डिमांड पर कंपनी से दोस्ती करा रहे हैं। अभी के टाइम में देश विदेश के आपसी बिहेवियर को अगर देखें तो यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि हर देश को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखने की जरूरत है। रसिया यूक्रेन, चाइना हांगकांग, इजराइल हमास आपके सामने एक एग्जांपल है। किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हथियार टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जैसे मिसाइल प्रोग्राम, अंडर वाटर मिसाइल प्रोग्राम, एवियोनिक सिस्टम, शिप बॉर्न सिस्टम, सबमरीन सिस्टम, बहुत सारे। जब इन चीजों में यूज होने वाली इक्विपमेंट की डिजाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट की बात आती है तो अपोलो माइक्रो सिस्टम हमारे दिमाग में आता है, जो इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के सप्लाई का काम करता है। यह कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके क्लाइंट में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहामास एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, HAL, इसरो जैसे दिग्गज नाम। यह कंपनी 3 मार्च 1997 में एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ अपोलो माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। साल 2000 में कंपनी ने अपना पहला पेलोड चेकआउट सिस्टम इसरो को सप्लाई किया था। 2004 में कंपनी को इसरो से क्वालिटी सिस्टम असेसमेंट फॉर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन कन्फर्मिटी का सर्टिफिकेट मिला। कंपनी के अधिकतर क्लाइंट सरकारी कंपनी है जिनका नाम आपको मैंने पहले बताया था। कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ की बात करें तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिटर्न रेशियो से। कंपनी का लेटेस्ट ROCE है 12.1% और ROE है 6.49%, जो कि रेड फ्लैग है क्योंकि इस इंडस्ट्री का एवरेज ROCE है 14.87% और इंडस्ट्री का एवरेज ROE है 14.17%। अपोलो माइक्रो सिस्टम का रिटर्न रेशियो अपने इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है, इसलिए कंपनी के लिए निगेटिव हुआ, मतलब यहां कंपनी को मिलेगा -2 पॉइंट। अब होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 52.67% होल्डिंग है, FII के पास 5.27% होल्डिंग है, DII के पास 3.31% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 38.76% होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, इसलिए कंपनी को मिलेगा +1 पॉइंट। कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 2022 में 46 करोड़ था, मार्च 2023 में ये बढ़कर 64 करोड़ हो गया, परसेंटेज वाइज 39.13% का ग्रोथ। इसके अलावा ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 67 करोड़। मार्च 2023 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.68% बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, इसलिए यहां भी कंपनी को मिलेगा +1 पॉइंट। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें, पिछले 5 साल में इनका प्रॉफिट में 1% से एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ हुआ है। इसके साथ साथ सेल्स की बात करें तो पिछले 5 साल के सेल का कंपाउंडिंग ग्रोथ 6% है। लॉन्ग टर्म के अनुसार सेल और प्रॉफिट का जो CAGR है काफी नॉर्मल है मगर पॉजिटिव है, इसलिए यहां कोई पॉइंट देने का मतलब नहीं है, ना निगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव, इसलिए मिलेगा 0 पॉइंट। इसी के साथ अगर हम लोग कंपनी का कर्ज देखें तो 2022 में 116 करोड़ डेट था, 2023 में डेट बढ़कर 144 करोड़ हो गया, परसेंटेज वाइज 24.13% कर्ज बढ़ा है, कर्ज बढ़ा है, इसलिए यहां कंपनी को मिलेगा -1 पॉइंट। मगर कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.43, मतलब कर्ज इक्विटी से कम है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो हम देंगे +1। इसके अगेंस्ट में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.22, मतलब कंपनी को अपने कर्ज पे जितना भी इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी उससे 2.22 टाइम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो इनके इंटरेस्ट को काफी आसानी से कवर करता है, तो ये पॉजिटिव हुआ तो मिलेगा +1 पॉइंट। इस सब के साथ कंपनी का रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2023 में कंपनी ने 106.85 करोड़ का सेल पोस्ट किया था, बट 2023 में सेल घटकर 57.69 करोड़ हो गया और ये क्या हुआ, निगेटिव पॉइंट। इसके साथ कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2022 में सेल था 243 करोड़ और मार्च 2023 में सेल हो गया 298 करोड़, एनुअल परफॉर्मेंस बेसिस पर सेल ग्रोथ हुआ है तो मिलेगा +1 पॉइंट। इब्टा मार्जिन परसेंटेज मार्च 2022 में था 18.77% और मार्च 2023 में 21.63%, पिट मार्जिन मार्च 2022 में था 6.01% और मार्च 2023 में था 6.30%, इब्टा और पिट मार्जिन परसेंटेज ग्रो हुआ है इसलिए यहां भी मिलेगा +1 पॉइंट। अब हम लोग सभी मेजर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फाइनल
कंक्लूजन निकालते हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम को टोटल 6+1 मिला और 4-1 मिला, मतलब ओवरऑल फंडामेंटल बेसिस पर +2 पॉइंट मिला है। तो अपोलो माइक्रोसिस्टम को जितना भी हमने पॉइंट दिया उनके बेसिस पर +2 उनका फाइनल नंबर आया। अब कंपनी से अच्छी तरह दोस्ती करने के बाद आते हैं लेटेस्ट न्यूज पर, जिससे पता चलेगा शेयर में तेजी क्यों हो रही है। तो कंपनी ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक अप्रॉक्स 60% का रिटर्न दिया। 25 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि अपोलो माइक्रोसिस्टम और बजाज फाइनेंस के बीच लोन एग्रीमेंट हुआ है। इस लोन एग्रीमेंट में अपोलो माइक्रोसिस्टम बजाज फाइनेंस से 15 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी लिया है और इस क्रेडिट का यूज कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करने वाली है। इसके बाद 27 अक्टूबर को कंपनी ने अपडेट किया है कि 6,66,670 शेयर वारंट कंपनी ने अलॉट किए हैं प्रीफरेंशियल बेसिस पर। वारंट शेयर क्या होता है, प्रीफरेंशियल शेयर क्या होता है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि 10 मिनट वहां पे लगने वाले हैं। फिलहाल इतना समझिए कि वारंट शेयर अलॉट करने से शेयर में बाइंग डिमांड बढ़ती है, जिससे शेयर में तेजी हुई है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट किया, जिसमें कंपनी ने मिडिल ईस्ट मार्केट में बिजनेस करने के लिए MP3 इंटरनेशनल के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को अपडेट किया है। इसके बाद कंपनी कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। इन सभी अनाउंसमेंट की वजह से शायद इन्वेस्टर कंपनी को लेकर बुलिश हैं और बाइंग चल रही है। लास्ट वन मंथ में इस शेयर ने 35-40% का ग्रोथ दिखाया है। अब जब मैंने आपको डेटा दिखाया कि ये शेयर में इतनी तेजी हुई है, तो फटाफट नीचे में कमेंट आ जाएंगे, सर तेजी हुई तो वीडियो बना दिया, मंदी थी तो कहां थे। क्योंकि ये बड़ा कॉमन आता है, पता है ऐसा क्यों होता है, जब आप प्रॉपर से किसी को फॉलो नहीं करते। देखिए मैं बार बार कहता हूं, हम आपको कंपनी से दोस्ती कराते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस कंपनी से हमने पहले भी दोस्ती कराई है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्रॉपर से फॉलो करिए, तो बहुत लर्निंग मिलेगी और वो लर्निंग आपको अच्छे स्टॉक के सिलेक्शन में, जो हम फंडामेंटल आपको सिखाते हैं उसके आधार पे क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो लेने में बहुत हेल्प करेगा। तो और इसी के साथ कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टरली अपडेट देखें तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 300% से ग्रो हुआ है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो हुआ है 55%। करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट 67% बढ़ा है और इसी 6 मंथ में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है। रिजल्ट आने के बाद कंपनी में फर्दर रैली दिखा है, जो बताना जरूरी था। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या सीखा, क्या आप शेयर को कितना नंबर देना चाहेंगे, क्या आप शेयर को बाय करेंगे, क्या है आपका नजरिया, क्या सीखा आपने, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।